बाबल जीतिया ना दूर ना दईए, ओ दुखड़ा कौन बढ़ावे गो है, ओ दुखड़ा कौन बढ़ावे गो। अय राजया अकबर खाना वे, अय राजया अकबर खाना वे, इना नौकरानू समझावे, छप छप मार दे जाथिया, माड़े लग दे सके पराली गोरिये, माड़े गला दा डोरिया वे। सजना वे सजना तेरे शेर वाली सानू किन्नी सोनी लगी दी दुपै, किन्नी सोनी लगी दी दुपै, फेर भी पता नहीं साथू हो जी हयाई जांदी, होल पेंदे रेण चतुपै, होल पेंदे रेण चतुपै। तबस्सुम मांगती, ये नाम आपने ज़रूर सुना होगा और अक्सर व बेशतर लोग इन्हें काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं इनकी गायकी की वजह से। लेकिन आज हमने थोड़ा सा वक्त इनसे मांगा और इनसे मुलाकात की। बहरहाल ये किसी तारुफ़ के मोहताज तो नहीं है, वादिया कश्मीर से इनका ताल्लुक़ है। आज हम इनसे बातचीत करेंगे और इनकी आवाज़ में कुछ गाने आप तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। वंग साहब, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। क्यों, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वंगती साहब, पहला इंटरव्यू है मेरा, थोड़ी बेसिक चीज़ें जानना चाहूँगा, किस तरह से इस फील्ड की शुरुआत हुई थी? ये शुरुआत मैंने स्कूल टाइम से की है, तो धीरे धीरे आगे फिर बढ़ते रहे, बढ़ता रहा, शौक बढ़ती रही, तो आज अल्लाह का शुक्र है और हमारे बहन भाइयों का साथ है कि जो हम आज इस जगह पहुँचे हुए हैं। अक्सर व बेशतर देखा जाता है कि सिंगिंग की तरफ ज़्यादा तवज्जो नहीं होती है लोगों की, और ख़ासकर माँ बाप भी ज़्यादा सपोर्ट नहीं करते हैं, तो घर वालों का किस तरह का सपोर्ट रहता था आपको जब आपने शुरुआत किया? तो असल में मैं पठान फैमिली से हूँ, पश्तो हमारी लैंग्वेज है, घर में पश्तो बोलते हैं, तो शौक पड़ गया तो एक बुज़ुर्ग ही मानो, हज़रत मियाँ बशीर साहब लारवी, बिल्कुल उनकी नज़र करम हुई मेरे पे और उन्होंने कहा कि आप गाओ, तो मैं उसी फील्ड में आ गया। मैं चाहूँगा कि गोजरी और पहाड़ी की वजह से आप ज़्यादा मशहूर हैं, मैं चाहूँगा कि पहाड़ी का कोई सॉन्ग जो है वो हमारे नाज़रीन तक पहुँचाएँ। आए नीली कोड़ी वाले आवे, सरी बागा टीलिया छोड़ कमकला दुखन कना दिया बालिया, मड़ी छाती लग दई जोर ली गोरिये, माड़े गला दा डोरी आवे। राजया अकबर खाना वे, अये राजया अकबर खाना वे, इना नौकरानू समझावे, छप छप मार दे जाथिया, माड़े लग दे सके पराली गोरिये, माड़े गला दा डोरिया वे। आपके भाई साहब भी गाते हैं, कभी कंपटीशन होता है घर में? मुख्तियार साहब, उनसे मेरी मुलाकात भी हुई है, कभी घर में कंपटीशन शुरू होता है? कंपटीशन तो दूर की बात है, आज तक मैंने उसको कभी गाते हुए देखा नहीं और ना मेरे सामने गाता है। तो हम पठान जो हमारी कम्युनिटी है, इसमें छोटे बड़े का बड़ा वो है, एहतराम किया। हाँ, बड़ा, जैसे मैं अपने वाल साहब के सामने नहीं गाता या घर में सबसे बड़ा। जब मैंने उनसे पूछा कि आपका उस्ताद कौन है गायकी में, तो उन्होंने कहा कि मेरे बड़े भाई साहब हैं। और मुझे सुन के हो सकता है बड़े लड़के आपको ही मिले होंगे जी,
जिन्होंने मेरा नाम लिया होगा, कहीं ने एजाज भट्ट साहब का नाम लिया होगा, कहीं ने और किसी का। लेकिन एक होता है आमने सामने, जैसे मैं आप मेरे से पूछ रहे, ठीक है, तो मैं जवाब दे रहा हूँ। एक होता है कि एक रूहानी कोई उस्ताद होता है जिसको फॉलो करते हैं, जैसे कई लोग जितने मेरे फ़ैन हैं, कई मेरे फ़ैन लोग सिंगर बन गए और मेरे से अच्छा गाते हैं, तो वो यही कहते हैं कि हमारा उस्ताद वो है। लेकिन ऐसा नहीं है, मैं क्या सिखा सकता हूँ कि अभी खुद भी उतना वो नहीं। माशाल्लाह आपकी आवाज़ बहुत खूबसूरत है। मैं चाहूँगा कि कोई गोजरी सॉन्ग हो जाए। एक मेरा गाना हाल ही में बड़ा फेमस हुआ है, जुमात सैलानी साहब का लिखा हुआ है, बाबल जी कंगणी ना दूर ना रहिए, ओ बाबल जी कंगणी ना दूर ना रहिए, ओ चिड़िया न कौन अडावे गो है, ओ चिड़िया न कौन अडावे गो। बाबल जी तिया ना दूर ना दईए, ओ बाबल जी तिया ना दूर ना दईए, ओ दुखड़ा कौन बढ़ावे गो है, ओ दुखड़ा कौन बढ़ावे गो। मुझे ये बताइए कि आप गाने खुद भी, ये गाने जो आप गाते हैं ये खुद ही लिखते हैं या दूसरों के भी कभी कभी गा लेते हैं? मैं लिखता बड़ा कम हूँ, लिखता नहीं हूँ, मैंने कोई दे देता है, जैसे जुमात सैलानी साहब के मैं गाता हूँ और बड़े अच्छे अच्छे। आपने कहा कि हम घर में पश्तो ज़बान इस्तेमाल करते हैं, तो क्या कोई पश्तो की एक दो लाइनें कोई सॉन्ग की? डले डले लाड़े जनवड़ू ले लू मासी कर देना, मंगही रवखला सिर शबर कुदर ल सुना मासी कर जिनके डले डले लाड़े जनवड़ू ले लू मासी कर देना, मंगही रवखला सिर शबर कुदर ल सुना मासी कर। माजी कर गुदर तराशा जन बड़ू ले लू माजी कर देना, नरी मी मंगई मी तो दी नरी मिला मी मातिशिना माजी कर दे, जिनके डले डले लाड़े जन बड़ू ले लू माजी कर देना, मंगई रवख लजर शबर गुदर ल सुना माजी कर। बहुत खूब। कश्मीर से आपका ताल्लुक है तो कश्मीरी गाने भी आप गाते होंगे शायद, तो कोई कश्मीर की एक कश्मीरी सॉन्ग की एक दो लाइनें हो। कचू चुकु नंदबाने वलो माशोक म्याने, कचू चुकु नंदबाने वलो माशोक म्याने, मैं कुरना जान जाने वलो माशोक म्याने, शराब की प्याले भरियो गुलाब निमाल करियो, शराब की प्याले भरियो गुलाब निमाल करियो, पगाया गल मरियो वलो माशोक
बोलो माँ शोक म्याने, बोलो माँ शोक म्याने। बहुत खूब। इसके अलावा कोई आपका जो फेवरेट सॉन्ग अभी तक का रहा हो, जो आप हमेशा खुद भी गुनगुनाते रहे गुनगुनाते हो? ऐसा फेवरेट मेरा कोई नहीं है, मेरे एक होते भी हैं लेकिन नहीं, कोई फेवरेट मेरा नहीं रहा। कोई खास कुछ कोई मतलब लोगों ने जिसकी डिमांड की तो मैं पंजाबी डोगरी वगैरह भी गाते हैं गाता हूँ। चलें पंजाबी कोई सुनाते हैं। सजना वे सजना तेरे शहर वाली सानू किन्नी सोनी लगी दी दोपहर, किन्नी सोनी लगी दी दोपहर, फिर भी पता नहीं साथू हो जी हयाई जांदी होल पेंदे रेण चतो पै, होल पेंदे रेण चतो पै। सजना वे सजना वे सजना, मां ने भी रोकिया बापू ने भी रोकिया ना जाई मित्रां दे शहर, ना जाई मित्रां दे शहर, पर साड़ी भुख सगू धोनी चोनी होई ही जावे होल पेंदे रेण चतो पै, होल पेंदे रेण चतो पै, होल पेंदे रेण चतो पै। बहुत खूब। मजीद ये जानना चाहूँगा कि कैसा लगता है जब आप अपने कल्चर को प्रमोट करते हैं इस तरह से, अपनी मौसीकी के ज़रिए आप कल्चर को प्रमोट करते हैं? मुझे बहुत अपने ऊपर एक फ़ख्र महसूस होता है कि जब मैं अपने इस कल्चर को प्रमोट करता हूँ, लेकिन एक बदकिस्मती मेरी ये रही कि मैंने अपनी ज़बान को उतनी प्रमोट नहीं कर पाया, जो मेरी पश्तो है या कोहिस्तानी हम बोलते हैं उसको नहीं प्रमोट कर पाया, क्योंकि वो किस इतना वो नहीं है, सुनने वाले नहीं। आज की नौजवान नस्ल की अगर हम बात करें इन चीज़ों से वो काफ़ी दूर रहते हैं, खुद वो सुन तो लेंगे लेकिन खुद बताएं खुद गाएंगे नहीं, इन चीज़ों से काफ़ी ज़्यादा दूर रहते हैं, उनके लिए क्या मैसेज रहेगा? उनके लिए यही मैसेज है कि अगर कोई इसको जिस लाइन से ले, जैसे हमारी रोज़ी रोटी का यही बिल्कुल, है बिल्कुल। और एक अल्लाह ताला ने ज़रिया बना दिया है, कोई शौकिया तौर भी गाता है, पहले हम भी शौकिया तौर गाते थे लेकिन अब हमारी मजबूरी बन गई है, तो मैं जो भी मेरे से जूनियर कलाकार है मैं तो यही बोलता हूँ कि मेहनत की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और इस काम में कभी अपने अंदर मैं नहीं लाना है, जैसे हो जाता कई बार वो चीज़ नहीं लानी है, इस चीज़ ने और ड्राइवरी ने बड़ी हलीमी से अपना वो, हाँ बस ज़मीन के ऊपर रहना है, कुर्सी पे कभी नहीं बैठना, ऊंचाई नहीं देखनी, कि किसी को दिखानी नहीं कि मैं भाई सिंगर हूँ, मैं ये हूँ वो हूँ। सोशल मीडिया पर आप के कोई गाने वगैरह सुनना चाहे तो अपने सोशल मीडिया अकाउंट का नाम बता दीजिए। हमारे तीन चैनल हैं जो यूट्यूब के भी हैं, फेसबुक पे हमारे एजाज भट फैन क्लब ये है इनका पेज, और यूट्यूब चैनल है एजाज भट ऑफिशियल, और मेरा है तबस्सुम वांगती ऑफिशियल, और फेसबुक पे है मेरा फ़न और फनकार तबस्सुम वांगती, और एक है हमारा पीर पंचाल सीजी, इन पे हमारे कॉन्टैक्ट नंबर भी हैं और हमारे से कोई कॉन्टैक्ट करना चाहे तो कर सकते हैं। चलें बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ये तबस्सुम वांगती साहब थे हमारे साथ, इनकी आवाज़ में कुछ गाने आप तक पहुँचाने की कोशिश की, काफ़ी अच्छा लगता है जब इस तरह के कलाकारों से इंसान मिलता है, और काफ़ी ज़्यादा सुरीली आवाज़ है इनकी, इनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर जाकर भी आप इनके गाने वगैरह सुन सकते हैं, इनकी सपोर्ट कीजिए और इन्हें जो है मज़ीद तरक्की करने का जो है वो मौका दीजिए। आपकी क्या राय है आप भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा, तब तक के लिए आप बने रहिए इंक्वायर रसोड़े के साथ, मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।